नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। खबर बताने से पहले एक जरूरी सूचना है। क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है। हमारे एडिटर सौरभ द्विवेदी लाइव आएंगे, यूपी के अलग अलग जिलों का माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉक यूपी चैनल पर। तो जाओ भाई, जल्दी से लल्लन टॉक यूपी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको लल्लन टॉक यूपी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब खबर पर आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गए हैं जयपुर, हवा महल घूमने नहीं, विपश्यना करने। केजरीवाल 2016 में भी विपश्यना करने जा चुके हैं। खबर सुनते ही दिमाग में आता है कि ये विपश्यना है क्या, कि कभी राहुल गांधी करने पहुंच जाते हैं तो कभी केजरीवाल। इसलिए हम लेकर आए हैं विपश्यना की संपूर्ण कुंजी, माने कंप्लीट गाइड टू विपश्यना। विपश्यना एक ध्यान विधि है, भारत में करीब 2500 साल पुरानी मानी जाती है, जब गौतम बुद्ध ने इसको रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवर बताना जरूरी है, माने ये कला उससे भी पहले से मौजूद रही है लेकिन कहीं गुम हो गई थी। फिर बुद्ध ने इसे वापस जिंदा किया, उन्होंने खुद इसकी प्रैक्टिस की और दूसरों को भी कराई। नेक्स्ट लेवल मेडिटेशन। भारत से विपश्यना पहुंची बर्मा, थाईलैंड जैसे देशों में। बुद्ध गए तो 500 साल बाद विपश्यना वैसी नहीं रह गई जैसी ये थी, धीरे धीरे भारत से ही गायब होने लगी। लेकिन बर्मा जैसी जगहों के लोगों ने इसे बचाए रखा और अब एक बार फिर विपश्यना बड़े स्तर पर लोगों के बीच पहुंच रही है। विपश्यना का मकसद होता है कि दिमाग में जो कुछ चल रहा है और उससे जो दिक्कत हो रही है उससे पिंड छुड़ाना। केवल बॉडी ही नहीं, दिल दिमाग के भी दुखों को, ओवरथिंकिंग को दूर करना। इसमें आदमी खुद को चेक करता है और खुद को भीतर से शुद्ध करने की कोशिश करता है। जो कुछ भी घट रहा हो उसको आदमी तटस्थ होकर देखता है और अपने चित्त को साफ करने की कोशिश करता है। कम शब्दों में बताएं तो दिन में कई बार बैठे बैठे ध्यान करना होता है। 10 घंटे बैठे रहो और ध्यान करो। 10 दिन तक मौन रखना होता है, इशारों में भी बात नहीं कर सकते। विपश्यना में कोई दिक्कत हो तो जो आचार्य हो वहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं। फिर हुए सयाजी ऊबा खिन, बर्मा के थे। 6 मार्च 1899 को बर्मा की राजधानी रंगून में पैदा हुए। पहले पहल क्लर्क हुआ करते थे अकाउंट जनरल के ऑफिस में। जब बर्मा भारत से अलग हुआ उस वक्त रंगून नदी के किनारे एक गांव के किसान से उन्होंने आनापान का कोर्स किया। इसमें दिमाग और चित्त को एकाग्र करना सिखाया जाता है। सीख सिखाकर 1950 में उन्होंने अपने ऑफिस में विपश्यना केंद्र बनाया। तब तक ये स्पेशल ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन गए थे। 1952 में सयाजी ने ही रंगून में अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना ध्यान केंद्र की स्थापना की। 31 साल का एक आदमी एक बार उनके पास आया, सयाजी ने उसे विपश्यना सिखाया। उस आदमी का नाम सत्यनारायण गोयनका था, वो मारवाड़ी समूह के व्यापारी थे, मंडल में पैदा हुए थे। 14 साल तक उन्होंने सयाजी से ट्रेनिंग ली। 1969 में सत्यनारायण गोयनका विपश्यना को एक बार फिर भारत लेकर आए, शिविर लगाने शुरू किए, 120 असिस्टेंट्स को इस काम के लिए ट्रेन किया और विपश्यना एक बार फिर भारत में जिंदा हो गई। बाद में साल 2012 में उनको इस काम के लिए पद्मभूषण भी मिला। अब आपको बताते हैं विपश्यना के 3 स्टेज क्या हैं। पहली स्टेज, जो साधक होता है वो उन सब चीज़ों से दूर रहता है जिससे उसको नुकसान हो। इसके लिए पंचशील का पालन करना पड़ता है, मतलब जीव हिंसा से दूर रहना, चोरी से बचना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना और नशे से दूर रहना। दूसरा स्टेज, इसमें 3.5 दिन लगते हैं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और मन एकाग्र करना होता है, इसको आनापान कहते हैं। आनापान आन और अपान से बना है। आन माने आने वाली सांस, अपान माने जाने वाली सांस, इससे मेमोरी बढ़ती है। तीसरा स्टेज, इसमें बॉडी के अंदर हर पल घट रही संवेदनाओं को एक दर्शक जैसे देखना सिखाया जाता है। ऐसे में अपने अंदर जो कुछ भी वेदना संवेदना चल रही हो उसका पैटर्न समझ आने लगता है। ऐसे में ये समझ आता है कि अच्छा हो या बुरा सब बदलता ही रहता है, हम चाहें तब भी उसका बदलना रोक नहीं सकते। विपश्यना के बारे में तमाम जरूरी बातें जानने के लिए हमने बात की राजेश मित्तल से, जो खुद भी विपश्यना कर चुके हैं, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने विपश्यना का पूरा रूटीन बताया। उन्होंने हमें बताया, तड़के 4 बजे उठो, फ्रेश होने के बाद 4:30 बजे ध्यान कक्ष पहुंच जाओ, वहां 6:30 तक ध्यान करो, 6:30 से 7:15 के बीच नाश्ता, फिर 8 बजे तक का वक्त नहाने धोने के लिए दिया जाता है, 8 से 9 और 9 से 11 ध्यान के 2 सेशन, 11 बजे लंच, उसके बाद 1 बजे तक का वक्त आराम का, 1 से 2:30 बजे और 2:30 से 3:30 और 3:30 से 5 ध्यान के 3 सेशन, 5 से 5:30 स्नैक्स,
छः बजे तक आराम, 6 से 7 ध्यान, 7 से 8 गोयनका जी का वीडियो पर प्रवचन, 8:30 से 9 बजे तक ध्यान, ध्यान के हर घंटे 2 घंटे बाद 5-10 मिनट का बायो ब्रेक दिया जाता है। विपश्यना के मेन सेंटर का पूरा पता है, विपश्यना इंटरनेशनल अकेडमी, धमगिरी, इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र। सीखने के लिए इगतपुरी जाना जरूरी नहीं है, देश में इसके करीब 70 सेंटर हैं और पूरी दुनिया में कुल 161 सेंटर। अब सवाल ये आता है कि कितनी कठिन है विपश्यना। राजेश मित्तल ने बताया, 10 दिन तक एक कमरे में कैद रहने जैसा होता है, पढ़ना लिखना, टीवी, इंटरनेट, ईमेल सब बंद। ध्यान के सेशंस शुरुआत में काटे नहीं कटते थे, ब्रेक का इंतजार रहता था, टांगे गर्दन बुरी तरह दर्द होने लगते थे। शुरू के 3 दिन तो ऐसा लगता था कि कहाँ आकर फंस गया हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें अभ्यास में आने लगी, लगा कि शरीर और मन की सीमाओं के पार जाने को मिल रहा है। ये अनुभव कितना काम आता है ये इस पर निर्भर करता है कि आप विपश्यना से वापस आकर ध्यान लगाना जारी रखते हैं या नहीं, लेकिन ये 10 दिन का अनुभव अद्भुत था। चलते चलते बता दें कि विपश्यना के कोर्स पूरी तरह से फ्री होते हैं, रहने खाने का भी पैसा नहीं लिया जाता, शिविर का सारा खर्च पुराने साधकों के दिए गए दान से ही चलता है, शिविर खत्म होने पर कोई चाहे तो भविष्य के शिविरों के लिए दान दे सकता है। आपके लिए पूरी खबर या फिर कहे पूरा एक गाइड विपश्यना का बनाया था हमारे साथ ही अभिषेक ने, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।